हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेज भाई आर ए शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब फॉर्म। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया है। इस टॉपिक में मैं बताऊंगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। जनरली आप जानते हैं वर्ब के तीन फॉर्म यूज लोग करते हैं, हर बुक में दिया रहता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब का अगर देखा जाए तो कुल पांच रूप होते हैं, फाइव फॉर्म्स होते हैं। इस वीडियो में उन फाइव फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, वो कौन से फाइव फॉर्म्स हैं और उनका यूज कहाँ करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सकें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज आइकन बेल को दबाएं, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसको देख सके और उससे लाभ उठा सके। तो वर्ब के बारे में हम शुरू करते हैं। वर्ब के, जिसे हम कहते हैं वर्ब इज द सोल ऑफ ए सेंटेंस, वर्ब किसी भी सेंटेंस की आत्मा होती है। और वर्ब बनी भी है लैटिन भाषा के एक वर्बम शब्द से बना हुआ वर्बम शब्द से बना, जिसका मतलब होता है ए वर्ड। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वर्बम शब्द से बना है, जिसका अवर्ड हिंदी अर्थ होता है एक शब्द। अर्थात वर्ब किसी भी सेंटेंस में वह वर्ड है जो उसकी आत्मा है, इट इज द सोल। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। तो वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो वर्ब के कुल कितने फॉर्म होते हैं, मैंने कहा कुल फाइव फॉर्म्स होते हैं। और फाइव फॉर्म्स को मैं टेबल के द्वारा आपको बताता हूं कि वो फाइव फॉर्म्स कौन से होते हैं और कहां कहां यूज हम करते हैं। तो वर्ब के पूरे फॉर्म, इसे हम वर्ब के फॉर्म को आप चाहें तो भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव ऐसे भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और भी इसका एक तरीका है, दूसरे तरह से भी इसे दिखा सकते हैं, या फर्स्ट फॉर्म को तो फर्स्ट कहेंगे, सेकंड फॉर्म को या फर्स्ट को बेस कहते हैं, बेस। इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस। और थर्ड को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और इसे हम चाहें तो आप सिंगुलर नंबर कह सकते हैं, सिंगुलर नंबर। और इसे आईएनजी फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक एक करके आपको बताता जा, तो पहले फर्स्ट फॉर्म क्या है। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा इसका है, इसे हम प्लूरल नंबर भी कहते हैं। प्लूरल नंबर इसलिए कहते हैं, वर्ब जब भी अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है, तो हमेशा प्लूरल ही होती है, कभी सिंगुलर नहीं होती है। फर्स्ट फॉर्म को ही हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो, और हिंदी में ना नी ने लगा होता है। कोई भी आपसे अगर पूछा जाता है, जैसे आपसे मैं कहूं कि आप बताइए जाना के इंग्लिश, तो आप कहेंगे गो। इनफैक्ट गो नहीं, पूरा होता है टू गो, लास्ट में लगा है ना, तो यह इन्फिनिटिव है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है, प्लूरल होता है, इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर या इन्फिनिटिव कहिए, बेस फॉर्म कहिए, फुल वर्ब कहिए, ए हो गया। किसी हम एक वर्ब को ले लेते हैं, जैसे कम को ले लेते हैं, कम हो गया। सेकेंड जो पार्ट में जाते हैं, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस क्यों कहते हैं, पास्ट टेंस इसलिए कहते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड ओनली इन पास्ट इनफिनिट टेंस, केवल पास्ट इनफिनिट में इसका यूज किया जाता है। इसे हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं, या फिर कहिए
इसे आप पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, कम दूसरे से केम हो। थर्ड फॉर्म जो वर्ब का है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, वैसे पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म यूज भी होता है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो जनरली ये तीन हो गए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, प्लूरल नंबर या इन्फिनेटिव फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। जब चौथे वाले में जाएंगे सिंगुलर नंबर, तो मैंने कहा कि वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, अगर सिंगुलर नंबर में होती तो हम फिर सिंगुलर उससे नहीं करते। तो वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, हम चेंज करते उसे फर्स्ट फॉर्म में, और चेंज करने के लिए सिंगुलर नंबर में हम चेंज करते हैं। इसके लिए अलग अलग रूल हैं, जैसे में कम है तो कम से आपने कर दिया। वर्ब और नाउन में थोड़ा सा अंतर है, अगर वर्ब को आप एस आई एस जोड़ते हो तो सिंगुलर हो जाती है, प्लूरल जब आपका नाउन होता है, नाउन में एस आई एस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपको कहा जाए कि बॉय दिया हुआ है और इसमें एस जोड़ देंगे, कहेंगे बॉयज प्लूरल नंबर हो गया, सिंगुलर करना हो तो एस हटा दे। लेकिन वर्ब को देखिए, कम दिया हुआ है, आपने एस जोड़ दिया तो सिंगुलर नंबर हो गया। लास्ट वाला जो इसका फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये आईएनजी जोड़ा जाता है, ये कंटिन्यूस में यूज होता है। ये देखिए, पहले फॉर्म को कहते हैं बेस फॉर्म या प्लूरल नंबर या इन्फिनेटिव कहते हैं, पास्ट टेंस को जो पास्ट इन्फिनिटिव में यूज होता है सेकेंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को कहते हैं, सिंगुलर नंबर एस या ईएस जोड़ा जाता है, ये प्रेजेंट इन्फिनिट में यूज होता है। और लास्ट वाला है वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये वर्ब में आईएनजी लगा के बनता है, और आईएनजी जब भी आप ऐड करेंगे वल्ली फर्स्ट फॉर्म में ही जो है ऐड करते हैं, कभी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं जुड़ता है। उसी तरह जब वर्ब को आप सिंगुलर नंबर करेंगे, एस या ईएस ऐड करेंगे, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही करेंगे, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में न एस या ईएस जुड़ता है और ना ही आईएनजी जुड़ता है। जब भी आईएनजी जुड़ता है फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, जब भी सिंगुलर वर्ब बनती है तो फर्स्ट फॉर्म से ही सिंगुलर नंबर में बनती है। और इसका यूज होता है जो आईएनजी फॉर्म मैंने कहा कंटिन्यूअस में, खुले से आपके तीन कंटिन्यूअस हो गए, तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं टेंस में, तो छह टेंस जहां कंटिन्यूअस लग गया वहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी का यूज होता है। इसको बनाते कैसे हैं, इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे आप बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, थर्ड कैसे बनाएंगे, सिंगुलर नंबर कैसे बनाएंगे और आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स लिख के बता रहा हूं, एक तो यही आपको देखिए एग्जांपल कैसे बनेगा, दूसरा मैं और एग्जांपल आपको देके बना। जनरली हम जब भी किसी वर्ब का फॉर्म बनाते हैं, सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड बनाते हैं या सिंगुलर नंबर करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, तो उसमें डी जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, एस ए एस जोड़ते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, एक एग्जांपल ऐसे देखिए, एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। प्ले हो गया, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड करना हो कैसे करेंगे, अगर कोई वर्ब के लास्ट में वाई दिया लेकिन वाई से पहले वॉवेल दिया हो, तो आप जब पास्ट टेंस उसका करेंगे तब पास्ट टेंस करते समय आप उसमें ईडी जेड, इसका जब पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो भी उसी तरह करेंगे, इसमें ईडी जोड़ देंगे। सिंगुलर नंबर जब करेंगे इस वर्ब का तो उसमें क्या करेंगे आप, केवल एस जोड़ देंगे। आईएनजी जब फॉर्म आप करेंगे तो उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, अब क्या करेंगे उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। अगर ध्यान से देखिए, वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल दिया हो तो सेकेंड फॉर्म में ईडी कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में ईडी कर देते हैं, सिंगुलर नंबर में एस जोड़ देते हैं, आईएनजी फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये रूल नंबर एक हुआ। दूसरा देखिए एग्जांपल, दूसरे रूल में जैसे हुआ कोई वर्ब है, जैसे मैंने कम बताया, या एक और ले लीजिए
गो ले लीजिए, कम तो मैंने लिखा था, गो ले लीजिए। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं उनके फॉर्म अलग अलग होते हैं, उनके वावेल्स को बदल देते हैं और उसमें टी या डी लगा के बन, जैसे गो है, गो का इसका करेंगे तो वेंट हो जाएगा, फिर इस थर्ड फॉर्म में जाएंगे गॉन हो जाएगा। लेकिन जब सिंगुलर नंबर करेंगे तो ओ दिया हुआ है तो इसमें आप ईएस जोड़ेंगे और आईएनजी में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल आईएनजी जोड़ देंगे। इस तरह से वर्ब के फॉर्म बनते हैं। एक है कि अगर वर्ब के लास्ट में आईई लगा है, जैसे आपका हो गया डाई, डाई आईई लगा हो और उसका जब आप बनाएंगे फॉर्म तब क्या करेंगे कि इसमें केवल आप डी जोड़ देंगे, डाइड, डाई है, डाइड हो जाएगा। ये करेंगे फर्स्ट पार्टिसिपल तो भी इसी तरह बनाएंगे, सिंगुलर नंबर जब करेंगे तब क्या करेंगे एस जोड़ देंगे, आईएनजी फॉर्म करेंगे तब उसमें आईई को क्या करेंगे वाई में बदल देंगे और तब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि डी आईई दिया आप आईएनजी जोड़, इस तरह डाई है, टाई है, लाई है, इस तरह बनाओ आप ऐसे बनाएंगे। दूसरा देखिए, जैसे मैंने वाई वाला बताया, दूसरा देखिए, ऐसी कोई वर्ब जिसके लास्ट में वाई दिया हो लेकिन वाई से पहले वावेल ना हो करके कंसोनेंट, तब जब इसका फॉर्म बनाना हो कंसोनेंट दिया हो मैरी जैसे है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वाई को आई कर देते हैं, मैरिट, मैरिट हो गया, मैरिज, और इसमें क्या करेंगे आईएनजी जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ देंगे, उसमें और कुछ आपको नहीं करना है। इस तरह भी वर्ब बनती है, इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब फॉर्म बनते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे स्लिप, स्लिप आपका हो गया स्लीप, मैंने लास्ट में कंसोनेंट दिया है उससे पहले डबल वॉवेल दिया है, ऐसी अगर वर्ब आ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं इस तरह बनाते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, इसका सेकंड फॉर्म भी सेलेक्ट हो गया, और जब आप सिंगुलर नंबर करेंगे तो केवल एस जोड़ देंगे, आईएनजी करेंगे तो भी उसमें केवल आप आईएनजी जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे ही वर्ब के फॉर्म बनते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं कि जब उनका फॉर्म बनाते हैं तो बीच वाला जो वॉवेल है डबल वॉवेल रहता है तो सिंगल कर देते हैं, जैसे ब्लीड है, ब्लीड का जब बनाएंगे आप तब क्या करेंगे इसका हो जाएगा ब्लेड हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। इसी तरह से फ्ली है, फ्ली है तो भी सिद्ध कर लेंगे ब्लेड, और जब सिंगुलर नंबर करेंगे तब उसमें केवल एस जोड़ देंगे, आईएनजी करेंगे तो आईएनजी जोड़ देंगे, कुछ भी आप नहीं बदलेंगे। और दूसरा एग्जांपल देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको डबल करना होता है, जैसे सूट है, सूट है उसी तरह करेंगे, अभी मैंने बताया कि डबल वॉवेल दिया है तब एक वॉवेल कम कर देंगे, लेकिन एक हो गया जैसे स्टॉप, स्टॉप लास्ट में कंसोनेंट है उससे पहले वॉवेल है, अब ऐसी वर्ब का जब फॉर्म करेंगे सेकेंड करेंगे थर्ड करेंगे तो इनके लिए क्या आप करते हैं कि लास्ट वाले कंसोनेंट को हम डबल कर देते हैं उसके बाद फिर जोड़ते हैं और स्टॉपिंग, जब आईएनजी जोड़ेंगे पहले तो सिंगुलर नंबर करेंगे तो केवल एस जोड़ देंगे, लेकिन जब आईएनजी करेंगे तो लास्ट वाले कंसोनेंट को डबल करके जोड़ते हैं,
स्टॉप का हो गया। और कुछ देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे गिव है, गिव लास्ट में ई लगा हो, हालांकि इसका सेकेंड फॉर्म गिव होगा, गिवन, ये वॉवेल को चेंज करके इरेगुलर तरीके से बनते हैं, रेगुलर नहीं बनते हैं। लेकिन जब आईएनजी जोड़ते हैं थोड़ा सा केयर होना है, अगर कोई ऐसी वर्ब है जैसे गिव है, राइट है, अंत में ई लगा है, यूज है, अंत में ई लगा है, जब इसमें आईएनजी आप जोड़ते हैं तो एक ये जो लास्ट वाला ई दिया है कम कर देते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर में तो कुछ नहीं करते हैं, अगर गिव दिया है तो आप एस जोड़ देते हैं, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेंगे तब क्या करेंगे कि आप हटा देंगे, ई को हटा देंगे अगर लास्ट में ई दिया हो तो। और जब आईएनजी जोड़ते हैं, एक और पर्व जैसे आपका हो गया सिट, अभी मैंने बताया कि लास्ट में कंसोनेंट हो, इससे पहले एक वॉवेल दिया हो, सिंगुलर और आईएनजी के लिए केयर करना है कि जब आईएनजी आप जोड़ेंगे सिंगुलर के तो मान लीजिए कि ऐसा आप जोड़ देंगे उसी तरह, लेकिन जब आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाले जो कंसोनेंट है उसको डबल कर तब आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई दिया हो आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं, अगर किसी वर्ब के लास्ट में कंसोनेंट हो उससे पहले वॉवेल दिया हो आईएनजी जोड़ते हैं तो कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे आपका हो गया कट हो गया, कट का एक ही होता है, शट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आप ऐसे ही कर लेंगे, सिंगुलर नंबर में भी ऐसे जोड़ लेते हैं वहां, लेकिन जब आईएनजी फॉर्म में जाएंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा वही जो अभी मैंने एक रूल बताया कि लास्ट में कंसोनेंट है उससे पहले वॉवेल है, तो जब आप इसमें आईएनजी जोड़ेंगे टी तो लास्ट में कंसोनेंट उससे पहले वॉवेल, तो कंसोनेंट को डबल करने के बाद ही आईएनजी जोड़ेंगे। ये कुछ सामान्य रूल्स हैं, हालांकि एक और वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा वर्ब कितने प्रकार की होती है, उसके फॉर्म कैसे बनते हैं, अलग से उसका रूल है। जनरल मैंने आपको बता दिया कि वर्ब के कुल 5 फॉर्म्स होते हैं और उन फॉर्म को कैसे बनाते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो जाते जाते प्लीज एक लाइक और शेयर करना न भूलें। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ना ही आपका पैसा लगता है, बस हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको अच्छा लगा और हम कोशिश करते हैं और आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं।